हेलो सत श्री अकाल, नमस्ते, कैसे हो आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है स्लीप के बारे में, जिन लोगों को साउंड स्लीप नहीं आती है, क्योंकि साउंड स्लीप जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है आपकी बॉडी के लिए। अगर आप साउंड स्लीप लेते हो तो आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, आपको कोई बीमारी नहीं लगती, आपको मोटापा नहीं आता, आप खुश रहते हो, आपको स्ट्रेस नहीं होता। तो साउंड स्लीप के लिए क्या करें, मैं छोटी सी आपको ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए टिप्स देना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि लॉकडाउन में लोगों की आदतें बहुत ख़राब हुई हैं सोने और जागने को लेकर स्पेशली। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो सोना है वो टाइम पे स्टार्ट कर दें, थोड़ी सी आदतों को अब हम चेंज करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम निकल गया है एंड जो हमने आदतें अपनी ख़राब की हैं उसको सुधारने का टाइम आ गया है। सो कोशिश करें कि आप रात को कोई भी फ़ोन या नेट सीरीज़ या कोई सीरियल, ऐसी चीज़ें रात को आप या मूवीज़ ना देखें। जो भी आपने करना है अपना एंटरटेनमेंट दिन में कीजिए एंड आप सोने से 2 घंटे पहले फ़ोन जो है वो साइड पे रख दीजिए, एटलीस्ट 1 घंटा पहले तो रख ही दीजिए। तो सबसे पहले मेरे टिप में जो चीज़ शामिल है वो है विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन मेडिटेशन का एक टाइप होता है जिसमें आपने क्या करना है कि आप जो भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो फिजिकल हो, एनी थिंग विच यू लव विच यू वॉन्ट, तो आपने उसको इमेजिन करना है, आपने उसको इमेजिन करना है एंड आपने ऐसे फील करना है कि जैसे आपको वो चीज़ मिल गई है या फिर आप वहाँ पे हो, दैट यू आर देयर। तो उस चीज़ का जो आपने विजुलाइजेशन करना है, एक तो वो आपकी लाइफ में चीज़ होने का, क्योंकि वो आपकी एक इच्छा है, जो डिज़ायर है, एक तो वो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, दूसरा आपका माइंड रिलैक्सेशन में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन आप अपनी हेल्थ पे भी कर सकते हो, कई लोगों की हेल्थ खराब रहती है, जैसे कि मान लो किसी को हाइपोथायरायडिज्म है तो वो विजुलाइजेशन कर रहे हैं कि मेरा हाइपोथायरायडिज्म ठीक हो रहा है, नाउ माय बॉडी इज़ फ्री फ्रॉम दिस, या फिर किसी की कोई डिज़ायर होती है कुछ खरीदने की या कुछ करने की या कुछ बनने की, तो किसी भी तरह की विजुलाइजेशन आप कर सकते हो, वो आपके माइंड को भी रिलैक्स करेगी एंड आपको अपने गोल पे पहुंचाने में भी हेल्प करेगी। बिकॉज जब आप रिपीटेडली अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा मैसेज दोगे तो वो चीज़ हो गई है, तो आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन वैसे होने स्टार्ट हो जाते हैं एंड देन केमिकल रिएक्शन जब आपके ऐसे स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं तो पूरा वो कहते हैं ना कि वो चीज़ें उस तरह से होनी स्टार्ट हो जाती हैं कि वो चीज़ आपके साथ हैपन होगी ही होगी, व्हाट यू वांटेड। तो आप विजुलाइजेशन जो है वो ज़रूर किया करें। दूसरी चीज़ है, अगर आप साउंड स्लीप चाहते हैं तो सोने से पहले जो देसी घी होता है उसको अपने पैरों के तलों पे, सोल पे ज़रूर आप अच्छे से मसाज करके 2 मिनट के लिए करें, क्योंकि इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है एंड जो हमारी थकावट होती है पूरे दिन की वो ज़्यादातर पैरों पे ही आती है, तो वो एक तरह से एक्यूप्रेशर वो पॉइंट्स हो जाते हैं पैरों के, तो आपको अच्छे से जो है वो स्लीप जो साउंड है वो आने के चांसेस हो जाते हैं। दूसरी चीज़, तीसरा जो टिप मैं आपको दूंगी वो है काजू एंड सौगी एंड पम्पकिन सीड्स। ये बहुत अच्छे होते हैं, इनमें एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, इसमें पोटाशियम मैग्नीशियम भरपूर होता है जो आपका स्ट्रेस रिलीफ करता है, आपको साउंड स्लीप लेके आने में हेल्प करता है। एंड एक चीज़ मैंने खुद से भी रियलाइज़ की है कि अगर आप साउंड स्लीप चाहते हो, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये चीज़, कि आपका सोने से पहले ना आपका दिमाग और आपका पेट दोनों खाली होने चाहिए। अगर दोनों में से एक भी खाली नहीं है तो आप साउंड स्लीप ले ही नहीं सकते। सो अपना डिनर अर्ली कीजिए सो दैट जब आपका डाइजेशन की प्रक्रिया हो जाती है ऑलमोस्टली, तो आपका माइंड वैसे ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। अगर आप 10 बजे 11 बजे खा के सो रहे हो तो उसमें आपका स्टमक भी अपसेट रहेगा, जब स्टमक अपसेट रहता है तो आपके माइंड पर भी टेंशन बनता है, माइंड पर टेंशन बनेगा तो आपको साउंड स्लीप आ ही नहीं सकती। इनफैक्ट आपको रिफ्लेक्स आएगा, बर्पिंग आएगा, आपको लगेगा कि चीज़ें लेटे भी हैं, नींद भी आ रही है, ऊपर ऊपर आ रही हैं। तो एक तो आप वो गैप मेंटेन ज़रूर करें स्लीप का एंड डिनर का, कम से कम 4 आवर्स का आप रखें कि जैसे डिनर के 4 आवर्स बाद आप सो पा रहे हैं। एंड दूसरी चीज़, अपना दिमाग खाली रखना बहुत ज़रूरी है। कोशिश कीजिए कि जब आप सोने वाले हैं तो उससे पहले आप कोई भी काम की बात, बिजनेस की बात, पैसे की बात या ऐसी बात ना करें, सो दैट आप अपना जो माइंड है वो रिलैक्स करें। आप अपना गुरबानी पाठ या कुछ भी इस तरह से स्पिरिचुअल चीज़ें कर सकते हो या बुक पढ़ सकते हो, जस्ट जो चीज़ चीज़ से आप अपना माइंड रिलैक्स कर सकते हो। बट डोंट गो फॉर सीरीज और मूवीज़, क्योंकि उसमें एक और स्टोरी में हम देखना घुस जाते हैं, पहले अपनी लाइफ का भी स्टोरी होता है तो हम एक और स्टोरी देखना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो चीज़ें मत करें। बुक इज़ अ गुड ऑप्शन, या फिर आप कुछ भी स्पिरिचुअली कुछ भी पढ़ रहे हो, शब्द सुन रहे हो या कुछ करो, यू आर जस्ट रिलैक्सिंग योर माइंड। थैंक यू।